आई होप कि आप सभी को वीडियो की स्टार्टिंग बहुत अच्छी लगी होगी और आप भी चाहते होंगे कि इस टेज़र ग्लव को कैसे बनाएं। सो लेट गेट स्टार्टेड। पर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस बेल आइकन पर क्लिक कर दें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक और एक शेयर तो बनता ही है। तो इस टेज़र ग्लव के लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए होगी वो है एक बाइक राइडिंग ग्लव। इसके अलावा आपको चाहिए होगा एक सोल्डरिंग आयरन, कैची, नोज प्लायर, 3D प्रिंटेड हाउसिंग जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वायर, डबल साइडेड टेप, लाइटर या माचिस, फेमिट्रिक, एक लिथियम आयन बैटरी, हाई वोल्टेज जनरेटर, श्रिंक रैप ट्यूबिंग, एक फ्लैट और एक स्प्रिंग कनेक्टर, सुई और धागा, 4 नेल, सोल्डरिंग वायर, स्विच, मोटे गेज का वायर और आखिरी में एक लिथियम आयन बैटरी चार्जर। तो सबसे पहले हमें हमारा लिथियम आयन बैटरी चार्जर लेना है और इसके B+ और B- पर एक एक वायर कनेक्ट कर देना है। इसके बाद लिथियम आयन बैटरी चार्जर पर डबल साइडेड टेप लगानी है और इसे हाउसिंग में कुछ इस तरह से प्लेस कर देना है। अब हमें यहाँ से दोनों वायर को निकालकर इनके एंड पॉइंट्स पर एक और वायर अटैच करना है। एक कनेक्शन पॉइंट पर फ्लैट कनेक्टर लगाना है और दूसरे कनेक्शन पॉइंट पर स्प्रिंग कनेक्टर, और इन दोनों कनेक्टर को यहाँ और यहाँ फेविक्विक और डबल साइडेड टेप की मदद से फिक्स कर देना है। इसके बाद इन दोनों वायर को इस होल से निकाल लेना है और यहाँ पर आपको प्लेस करनी है आपकी लिथियम आयन बैटरी कुछ इस तरह। तो अब हमें हमारा स्विच लेना है जिसका इनलेट वायर होगा ये और आउटलेट वायर ये। इसे सोल्डर करने के बाद हमें कुछ इस तरह से स्विच यहाँ प्लेस कर देना है। स्विच प्लेस करने के बाद हमें यहाँ पर हाई वोल्टेज जनरेटर कुछ इस तरह से लगा देना है। एक क्विक नोट, अगर आपका हाई वोल्टेज जनरेटर इस हाउसिंग में फिट नहीं हो रहा है तो उसके कर्व सरफेस एरिया को एक सैंड पेपर से थोड़ा सा सैंड कर दें, वो फिट हो जाएगा। तो अब हमारा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब ग्लव लेकर एक नेल गर्म करके आपको यहाँ पर और यहाँ पर एक स्लॉट बनाना है जहाँ पर आपको दोनों नेल को फेमिक की मदद से प्लेस कर देना है और इन्हें आपके हाई वोल्टेज जनरेटर से कनेक्ट कर देना है। यहाँ भी एक क्विक नोट, फेविक्विक नेल के एंड पॉइंट्स पर और कनेक्शन पॉइंट्स पर नहीं लगना चाहिए। साथ ही आपको नेल्स के एंड को कुछ इस तरह से बेंड करना भी ज़रूरी है। नेल्स अटैच करने के बाद हमें हमारे सर्किट को कनेक्ट करना है ग्लव से, जो कि हम करेंगे सुई धागे की मदद से। एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट ईजीएस्ट पार्ट, सो लेट्स सी। वेल, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, ये टास्क बहुत मुश्किल था, अपनी मम्मी की मदद ले लेना। अब आपको दो मोटे गेज के वायर को यहाँ और यहाँ सी देना है और उन्हें थोड़े से ग्लू की मदद से सिक्योर कर देना है कुछ इस तरह। इसके बाद अब हमें इनमें से एक वायर को कनेक्ट करना है बैटरी के आउटलेट से और दूसरे को हाई वोल्टेज कन्वर्टर के इनलेट से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब हमारा टेज़र ग्लव रेडी है। तो अब अगर हम इस स्विच को ऑन करें और इन दोनों वायर का कॉन्टैक्ट कराएं अपनी फिस्ट बना के, तो देखिए क्या होता है। अब जैसे कि हमारा ग्लव रेडी है, पर इसको इम्प्रूव करने के लिए हम दो और चीज़ें भी कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहली है आपकी बैटरी को कवर करना। इसके लिए आपको इसे भी प्लाईवुड या कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले सकते हैं और इसको बैटरी के ऊपर प्लेस करके चिपका दीजिए। इससे होगा ये कि आपकी बैटरी एक्सपोज नहीं रहेगी, जिसके कारण बैटरी के गिरने का और उसमें पानी जाने का खतरा नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ यह है कि आप आपके पूरे ग्लव को एक ब्लैक पेंट दे सकते हैं, जिसके कारण जितने भी एक्सपोज वायर और थोड़ा जो इम्परफेक्शन है वो छुप जाएगा। पर आपको ध्यान रखना होगा कि आपको इन दो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स को, स्विच को, पावरिंग पोर्ट को और इन दो वायर्स को कवर करना होगा स्प्रे करने के पहले, क्योंकि इनके ऊपर स्प्रे पेंट नहीं लगना चाहिए। तो
सो लेट्स सी कि स्प्रे पेंट करने के बाद हमारे ग्लव कैसे लगते हैं। अब जैसे कि हमारा ग्लव रेडी है जो कि ब्लैक स्प्रे पेंट में बहुत शानदार दिख रहा है, तो हमें इसे किसी के ऊपर तो टेस्ट करना चाहिए। वेल, शायद ये बहुत अच्छा आइडिया नहीं है, बट जोक्स असाइड, अगर आप ये किसी के ऊपर यूज़ करते हैं तो उनको कार्डियक अरेस्ट चाहिए, उनकी दिल की धड़कनें भी रुक सकती हैं। तो आप जब भी इसका यूज़ करें सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ करें। बट तो भी सिर्फ एक बार मैं इस ग्लव को अपने हाथ के ऊपर टेस्ट करके देखता हूँ, पर आप ऐसा कुछ मत करिएगा क्योंकि मैं कर रहा हूँ। तो वेल, जहाँ मुझे झटका लगा था वहाँ की मेरी स्किन थोड़ी सी ब्लैक हो गई है, बट इससे दर्द बिल्कुल नहीं होता है। मैं मजाक कर रहा हूँ, इससे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसको अपने ऊपर या किसी के भी ऊपर कभी ट्राई ना करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।